इस वक्त मैं पुराने लखनऊ के घंटा घर पर मौजूद हूं और आज भी यहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते कई दिनों से ये जो घंटा घर है यहां पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है और सबसे खास बात यह भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी 4 हफ्ते का इस पूरे मामले को लेकर समय दिया है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि यहां पर तमाम सारी जो महिलाएं हैं उनको आप देख पा रहे होंगे, लगातार आज कई दिन हो चुका है इनको यहां पर धरने पर बैठे हुए और छोटे छोटे से हैंडविल अपने हाथों में लेकर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिसमें उन्होंने लिखा है नो CAA नो NRC नो NPR। हमारे साथ कई महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए, कैसे देखते हैं? हम इसको पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, तभी हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने ये जवाब उनको दिया है कि आपको सोचिए फिर इस पर विचार विमर्श करिए। गवर्नमेंट को सोचने के लिए उन्होंने वक्त दिया क्योंकि वो समझ रही है कि जनता जो है पागल नहीं है और जनता सड़क पर क्यों उतरी है, जाहिर सी बात कुछ न कुछ तो गलतियां हुई हैं, तो इसीलिए सरकार को उन्होंने समझाने का एक मौका दिया है। एक तरीके से वो हल्का सा इंडिकेशन दे रही है उनको कि आप इस पर पुनः विचार करिए और फिर से सोच समझ के कुछ इस पर अपना आप राय कायम करें। क्या नाम है आपका? मारिया सिद्दीकी। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है और ये कहा है कि 4 हफ्ते बाद वो जवाब दें, कैसे देखते हैं इसको? सर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने समझा और 4 हफ्ते का वक्त दिया, और मैं यही गुजारिश करूंगी नरेंद्र मोदी से कि प्लीज़ आप लोग इस पे प्लीज़ सोचिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान यूं ही सड़कों पे नहीं है, कोई वजह तो है। ये कानून आपने किसके लिए बनाया है? हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन अगर हम ही सेटिस्फाइड नहीं है तो आप ये कानून थोप क्यों रहे हैं हम पे? आप कहते हैं 3 तलाक पे कि ये मुसलमान हमारी बहनें हैं, और संबित पात्रा बोलते हैं वहाँ पे लाइव टीवी डिबेट में, कहते हैं कि ये 500 रुपये में बिकाओ औरतें हैं। आप क्या समझते हैं? आप 2000 लीजिए, आप आके हमारे साथ बैठिए यहाँ पे। आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको कैसे देखती हैं आप? कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना वक्त दिया है, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर हम लोगों को जरती भर भी भरोसा नहीं रहा है। ये सरकार कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। हम अगर मुस्लिम महिलाएं यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, हम मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे अगर सब लोग इकट्ठा हुए हैं सड़क के ऊपर आए हैं तो इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। ऐसे ही थोड़ी ना सब लोग जो हैं इतने ठंडक में यहाँ रात रात जाग के यहाँ पे जो है इनकलाब कर रहे हैं, रोड के ऊपर आके बैठे हुए हैं, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कब तक जारी रहेगा ये प्रदर्शन? अब तो 4 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होगी। नहीं, ये अनिश्चित काल का धरना है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कब हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो तमाम सारी महिलाएं हैं जिनका ये कहना है कि भले ही 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले की सुनवाई हो, लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा, जो धरना है वो जारी रहेगा। तस्वीर एक बार आप फिर दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं वो संबोधन भी कर रही हैं। अब जो CAA कानून है उसके खिलाफ जो महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं खासतौर पर, उनका प्रदर्शन यहां पर लगातार जारी है और सुबह से लेकर रात तक, या यूं कहें कि कई दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं आ जाता है तब तक उनका ये प्रदर्शन यहां पर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News24।